नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी, आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एडल्ट 25 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दवाई कहां यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन बीमारियों में इस दवाई को दिया जाता है, और इस दवाई की क्या डोज रहती है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन रहते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए। दोस्तों, एडल 25 एक पेटेंट मेडिसिन है जिसे एडल कंपनी बनाती है, जो एक फार्मा कंपनी है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई हैं जो स्लीपलेसनेस, इंसोमनिया या डिस्टर्ब स्लीप में दी जाती है। यानी पेशेंट को अगर अनिद्रा हो, नींद ना आती हो, नींद आने में कोई परेशानी हो, या फिर दोस्तों मानसिक थकावट के कारण पेशेंट को नींद ना आती हो, ऐसे इंडिकेशन में, ऐसे सिम्टम्स में पेशेंट को एडल 25 दी जाती है। दोस्तों, आजकल स्ट्रेस और तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा युवाओं में नौकरी या फिर किसी भी वजह से, अपने काम की वजह से हो सकता है, या फिर बच्चों में पढ़ाई या एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है, बुज़ुर्गों में अशांति या फिर बीमारियों की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इनके अलावा नींद न आने के और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करना। साथ ही दोस्तों, अगर आप टोबैको का सेवन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तो उसके कारण भी नींद डिस्टर्ब होती है। एडल 25 में कुछ चुनिंदा ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई हैं जो अनिद्रा में काम आती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो दिमाग को शांत रखने में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों, इसमें अगली दवाई कॉफिया है। चाय और कॉफ़ी के बैड इफ़ेक्ट्स के कारण अगर आपको नींद ना आती हो, अनिद्रा का शिकार हो गए हो, तो यह दवाई ज़्यादा काम करती है। अगली दवाई इसमें स्टेफिस गेरिया है, जो कि दिमाग को शांत रखने के साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी ठीक करती है। अगली दवाई इसमें ओरम क्लेरेटम है, जो कि डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट में देने से पेशेंट को नींद आती है। अगली दवाई इसमें जिंकम वेलेरिया है, जो कि अशांति को दूर कर पेशेंट को नींद दिलाने में मदद करती है। दोस्तों, इसमें अगली दवाई एविना सटाइवा है। नर्वस वीकनेस के कारण अगर आपको नींद नहीं आती हो, अगर आप एंजाइटी के शिकार हैं जिसके कारण आपको नींद नहीं आती हो, बेचैनी के कारण आपको नींद नहीं आती हो, तो ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई ज़्यादा असरदार है। दोस्तों, इसकी डोज की बात करते हैं, यानी लेने का तरीका क्या रहता है। दोस्तों, इसे बच्चों में 7 से 10 बूंदे डालकर इसकी सोने से पहले दिन में 3 बार लिया जाता है, लगभग 15-15 मिनट के गैप में। 1/4 कप पानी में इसकी 7 से 10 बूंदे डालें और 15-15 मिनट के गैप में सोने से पहले ले लें, 1 घंटा पहले लेना शुरू कर दें। दोस्तों, बड़ों में भी सेम ऐसे ही लिया जाता है, लेकिन इसकी डोज बढ़ जाती है 15 से 20 बूंदे। दोस्तों, होम्योपैथी की किसी भी दवाई का सेवन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना चाहिए, यानी दवाइयों का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस दवाई का सेवन करने से पहले आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिले, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उसके लिए सलाह या ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।